दिन के समय लोग गुरुद्वारा मंदिरों में पूजा करने जाते हैं, लेकिन जब चोर पूजा की दुकान पर हाथ साफ करते हैं तो पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में आ जाता है। पुलिस की नाक के नीचे चोर लूट को अंजाम दे देते हैं। ऐसा ही एक मामला जलंधर के रावा मंडी इलाके में सामने आया है, जहां चोरों ने एक पूजा की दुकान को निशाना बनाया और वहां से 35,000 रुपये का नुकसान किया है। इस बात का खुलासा अग्रवाल दुकान के मालिक संदीप ने किया है कि उन्होंने पिछले दिनों ही 35,000 का सामान खरीदा था, जिसकी अभी तक बिलिंग भी नहीं की गई है, मगर चोरों ने अगले ही रात माल साफ कर दिया। अब देखना यह है कि पुलिस इसकी शिकायतों पर कब तक ध्यान दे पाएगी, क्योंकि पहले भी हुई ऐसी चोरियों पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। देखिए जलंधर से ईशान जनेजा के साथ सतीश कुमार कश्यप की ये रिपोर्ट। मैं संदीप कुमार, सानू श्री रवि कुमार, मेरी दुकान अग्रवाल दी हट्टी रामा मंडी हुशियारपुर रोड ते है। मेरा 2-3 सवेर नू 50,000 दा साडा नोटा दा हारा दा चोरी हुई सी, उहदी कंप्लेंट पुलिस नू लिखा दी गई सी, लेकिन अज फिर साढ़े अज कितनी तरीक होगी, अज 13 तरीक अज सवेरे सानू 5:45 दे करीब सानू फोन आंदा हैगा कि सर तुहाडी दुकान ते फिर चोरी हो गई हैगी, जिहदे करके सानू फिर दौड़ भज हो गई ते असीं आके देखिया साढ़े इत्थे पित्तल दा समान और तांबे दा समान इत्थों चोरी होया हैगा। ते असीं पुलिस प्रशासन दे कोलों पहलां भी कंप्लेंट कीती सी, हुण फिर कंप्लेंट करदे, सानू इंसाफ नहीं मिल रहा हैगा। सर किन्ने तक दी चोरी होई तुसीं कोई अंदाजा? मैं कल ही हजे 35,000 रुपये दा माल भरिया हैगा, उहदा हजे बिल पे करन वाला हैगा, हजे तां असीं अगले कोल माल लिया के रख्या ही है। लेकिन ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈਗੀ। सवेरे असी सानू फोन आया कि संदीप कुमार की हट्टी दे चोरी हुई है रम मंडी, जिते असी मौके पर पहुंचे हैं। इन्हों की पूजा की दुकान है, जितों इन्हों का पूजा का समान जोड़ा है वो चोरी होया है। इन्होंने दसिया कि पित्तल का अपने स्टील का जोड़ा समान है वो साढ़े चोरी होया है, तो बाकी के बारे असी होर देख रहे हैं कि समान चोरी होया। ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ।